सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल माउंटेन ट्रैवल्स में। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से कहीं ट्रैवलिंग तो पॉसिबल हो नहीं पा रही, कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं हम लोग। इसी वजह से मैं कोई नया ट्रैवल ब्लॉग भी आपके सामने नहीं लेके आ पाया हूँ। मुझे बस एक बार ट्रैवल करने का मौका मिला था जब मैं वैक्सीनेशन के लिए गया था। मैंने वैक्सीनेशन तो करवा ली है, आई होप आप लोगों ने भी सबने वैक्सीनेशन करवा ली होगी, और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत ही यूज़फुल कंटेंट लेके आया हूँ। मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि पूरी डिटेल्स के साथ शेयर करूँगा कि आप कैसे वैक्सीनेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, कैसे अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं। ब्राउज़र में कोविन लिख के सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक जो है वो कोविन साइट का है। इस पर क्लिक करेंगे तो साइट की होम विंडो कुछ ऐसी दिखेगी। इस पर टॉप राइट पे रजिस्टर और साइन इन के लिए ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन होगी। वो कुछ ऐसी होगी जिसमें हमारे पास ऑप्शन रहेगा मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। मैं मोबाइल नंबर एंटर करूँगा, उसके नीचे गेट OTP का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करूँगा। मोबाइल पे OTP का मैसेज आने में 10 से 15 सेकंड का टाइम जनरली लग जाता है। मेरा मैसेज आ गया है तो अब इसमें से मैं कॉपी करके OTP जो है एंटर कर दूंगा। OTP के बाद जो नीचे वेरीफाई और प्रोसीड का ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा। तो नेक्स्ट विंडो में जैसा कि शो हो रहा है, इसमें एक मोबाइल नंबर पर आप 4 मेम्बर्स को रजिस्टर कर सकते हो। विंडो के बीच में जो रजिस्टर मेम्बर का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो नेक्स्ट विंडो में फ़ोटो ID के प्रूफ में डिफरेंट फ़ोटो ID प्रूफ कुछ भी डाल सकते हैं आप। अगर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा तो बाकी डिटेल भी आधार कार्ड के बेसिस पे ही डालूँगा, और सारी डिटेल फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुकी है, और विंडो के बॉटम में एक ऐड मेम्बर का ऑप्शन भी दिख रहा है। इस पर क्लिक करके सेम वैसे ही पूरी डिटेल ऐड करके आप अपने 3 और मेम्बर की भी, फैमिली मेम्बर की भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर अभी जैसे मैं अपना ही अकेले का स्लॉट बुक कर रहा हूँ तो शेड्यूल पे क्लिक करके शेड्यूल नाउ पे क्लिक कर दूंगा। सो नेक्स्ट विंडो में अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऑप्शन है, जिसमें आप अपने एरिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर्च करके या फिर पिन वाइज भी सर्च करके स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में स्लॉट बुक करने के लिए ट्राई किया था, बट अभी तक यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुई है 18+ के लिए। तो उसके बाद मैं हरियाणा के लिए ट्राई कर रहा हूँ अपने नियर बाई एरिया में। मैंने हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट पंचकूला सेलेक्ट किया था तो इसमें अभी सारे के सारे एरियाज बुक दिखा रहा है। बट नेक्स्ट 15th की डेट में जिसमें 9 सेशन अवेलेबल दिखा रहा है, जब ये ऑप्शन ग्रीन होंगे तब यहाँ पे मैं बुकिंग कर सकता हूँ। अपनी वैक्सीनेशन की जर्नी के कुछ ग्लिम्प्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरी वैक्सीनेशन जो है वो PHC पिंजौर में बुक हुई थी। हम लोग 10 बजे के टाइम स्लॉट से पहले पहुँच चुके थे। मेरा आपसे वीडियो शेयर करने का सबसे बड़ा रीज़न ये भीड़ है। लाइन में खड़े बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं था कि वैक्सीनेशन के लिए अपना स्लॉट कैसे बुक करना है, और वो बिना बुकिंग के ही यहाँ तक पहुँच गए थे हॉस्पिटल में, अपनी हेल्थ को रिस्क में डाल के। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ एज लोग भी हैं इसमें। हमने भी लाइन में लग के अपने आधार कार्ड पे बेस पे वेरिफिकेशन करवाई, और उसके बाद हमें वैक्सीनेशन के लिए टोकन मिल गया था। टोटल प्रोसेस में 10 से 15 मिनट लगे थे। तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली है कोविड के लिए, हमें 5-10 मिनट लगे हैं। पहले जो मोबाइल में जो डिटेल्स थी उसके बेस पे एंट्री करी गई है, उसके बाद हमने अपना टोकन लेके वैक्सीनेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी पंचकूला PHC का वैक्सीनेशन सेंटर है, अभी यहाँ से लाइन लगी है तो हम लोगों का भी नंबर आएगा जैसे ही वैसे वैक्सीन लगवाते हैं। ऐसा वायरस गया बॉडी में, डर तो लग ही रहा है भाई। नहीं टोटली से ज़्यादा दर्द तो नहीं? नहीं दर्द नहीं है। सुनील जी आप बताइए। बॉडी के अंदर वायरस इंजेक्ट करा है, बाकी ठीक है, गवर्नमेंट के साथ है। ठीक, जैसा भी होता है, हमें कोई सिम्टम आता है इसके बाद बुखार आता है तो आपको बताएंगे। ये गोली मिली है PCM की, ये प्रसाद दिया है हमें, अगर हमें बुखार हो जाता तो हम ये खाना है। सो फ्रेंड्स, अभी हम वैक्सीन करवा के वापस जा रहे हैं, अभी तक हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ऐसा कुछ होगा तो आगे आपको बता देंगे।
वैक्सीनेशन के बाद मुझे एक दिन तक फीवर रहा था, वो भी बहुत हल्का हल्का सा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बाकी सब आपसे भी कहना चाहूँगा कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, इट टोटली सेफ है। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।